लोग का पहले अपनी सोनिक का जो नया साउंड है उसको मैं तुम लोग का एक बार सुना देता हूँ। देखो अभी तो जनवरी चल रही है, तो तुम लोग सोच सकते हो कि फरवरी मार्च तक क्या हाल होगा। इसके साथ दो मैनुअल भी दिया है, तो इसको कैसे यूज करते हैं वो इसमें लिखा हुआ है। नहीं उठेगा, इसको घर ले जाकर। सो हाई एवरीवन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज का ब्लॉग मैं घर से शूट कर रहा हूँ एंड मैं अपने एक्शन कैमरे से शूट कर रहा हूँ। सो एक्शन कैमरे से शूट करने का कारण ये है कि मैं आज तुम लोग को एक प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ, बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है वो एंड मैं उसको अपने हेयर के लिए खरीदा है। तो चलो मैं तुम लोग को पहले अपनी सोनिक का जो नया साउंड है उसको मैं तुम लोग को एक बार सुना देता हूँ। देखो, देख पा रहे हो साउंड? तुमसे ना हो पाएगा, मतलब आई एम सॉरी, देख तो नहीं पाओगे, सुन सकते हो तुम लोग, तो सुन पा रहे हो तुम लोग साउंड कैसा आ रहा है इसका? मतलब ट्रैम डेटोना का जो साउंड है लगता है वो इसमें आ गया है, उसका जीन इसमें आ गया है। मैं तुम लोग एक बार रेप करके दिखा देता हूँ। देखो, सुना गाइस साउंड? सो ये साउंड एक्चुअली कोल्ड स्टार्ट के बाद ज़्यादा आता है एंड गाड़ी चलने के बाद ये साउंड थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा आता है ये साउंड। एंड ये साउंड आने का कारण ये है कि मैंने तुम लोगों को बोला था अपनी लास्ट वीडियो पे कि मैंने अपनी सोनिक का टैपेट को थोड़ा सा एडजस्ट किया है, एक्चुअली शोरूम में एडजस्ट किया ले जाके, तो इसके टैपेट से थोड़ा सा आवाज़ आ रहा था, इसलिए मैंने इसको टाइट करवाया, उसके बाद ही ये साउंड आना शुरू हो गया था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने शोरूम में चेक करवाया तो उन लोगों ने बोला कि ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अगर टैपेट तुम्हारा फिर से लूज़ हो जाएगा तो ये साउंड ऑटोमेटिक ही चला जाएगा। तो चलो थोड़ा सा बाहर चलते हैं, थोड़ा सा मोटर ब्लॉगिंग करते हैं, उसके बाद मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा वो प्रोडक्ट जिसके लिए मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो गाइस, मैं घर से निकल चुका हूँ और सामने तुम लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है अभी एंड होगा भी, क्योंकि ये टाइम अभी बिजी टाइम है एंड ये ऑफिस का टाइम है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है अभी। तो मैं इसीलिए जितना हो सके उतना ट्रैफिक को स्किप करते करते वीडियो बनाऊंगा। एंड गाइस, एक और बात है कि मेरे सामने जो नंबर प्लेट का स्टिकर लगवाया था वो अब मैं उतार देने वाला हूँ एंड नॉर्मल जो नंबर प्लेट रहता है वो मैं फिर से लगा दूंगा, क्योंकि भाई अभी चेकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एंड हल्का सा भी कुछ अगर देखेगा पुलिस तो तुम लोगों को फाइन कर देगा। तो इसलिए क्या ज़रूरत है गाइस थोड़ा सा मतलब लूप के लिए फ़ाइन कटवाना, एंड पुलिस तो अभी कुछ नहीं मानता भाई, सीधा चालान कर देता है। तो इससे अच्छा है कि नंबर प्लेट फिर से लगा लिया जाए एंड जो स्टिकर है उसको मैं उतार दूंगा। सो गाइस, ट्रैफिक को क्रॉस करके मैं आ चुका हूँ एंड अभी से गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अभी तो जनवरी चल रही है, तो तुम लोग सोच सकते हो कि फरवरी मार्च तक क्या हाल होगा एंड उसके बाद तो मई जून जुलाई भी है। तो खैर चलो फिलहाल चलते हैं किसी अच्छी जैसी जगह पे, वहाँ पे जाके वीडियो शूट करेंगे। सो गाइस, तुम लोग देख सकते हो कि मैं एक अच्छी सी जगह पे आ चुका हूँ एंड आप अपनी इस नए प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करते हैं। सो इसलिए पहले मैं एक हेलमेट लेकर आया हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेसिकली एक हेलमेट के लिए बनी हुई है। सो चलो अपने हेलमेट को पहले उतारते हैं। सो ये गाइस वही हेलमेट जो मैंने पहले इस्तेमाल करता था एंड अब मैं इसको इतना इस्तेमाल नहीं करता, मैं इसको सिर्फ लोकल के लिए इस्तेमाल करता हूँ। एंड ये है अपना प्रोडक्ट एंड इसको मैंने फिर से टेपिंग किया है, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि मेरा क्या है कि जब भी कोई ऑनलाइन से प्रोडक्ट आता है उसको मैं एक बार खोल के चेक कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं तुम लोग के सामने फिर से इसको अनबॉक्स करता हूँ। तो ऐसा ही एक है, तो चलो फिर से तुम्हारे सामने टिपिकल तरीके से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ऐसे काट दिया, अरे भाई निकल जा, इतना तो काफ़ी है। इधर से ट्रक भी आ रहा है, तो इसको खोलते हैं पहले। ये है अपना मेन प्रोडक्ट, इसको साइड में रखते हैं। बॉस के अंदर से अपना एक बिल है और कुछ नहीं है, तो ये अमेजोन का बॉस भी साइड में रखते हैं, यहाँ पर रख देते हैं एंड इसको भी खोल देते हैं फटाफट से। सो अभी तुम लोग को समझ में नहीं आएगा कि क्या है, चलो इसको खोलते हैं। तो ये अपना मेन प्रोडक्ट एंड इसके साथ दो मैनुअल भी दिया है, तो इसको कैसे यूज़ करते हैं वो इसमें लिखा हुआ है एंड ये है इसका पासवर्ड सेट करने के लिए। तो इसको भी खोल लेते हैं, देखा देख लो एक बार। तो इसमें लिखा है कि कैसे तुम इसका पासवर्ड सेट कर सकते हो। तो
ये प्रोडक्ट एक्चुअली है कि ये है एक हैंडमेड लॉक, ठीक है। सो ये काम कैसे करता है देखो, ये जो बटन है इसको प्रेस करके इसको खींचना पड़ेगा ऐसे, फिर इसको छोड़ देना, तो ये बीच में से लॉक हो जाएगा। एंड जब तुम इसको इधर ले जाकर ऐसे पुश करोगे तो ये देखो ये लॉक हो गया बीच में। एंड अगर तुम इसको फिर से प्रेस करोगे ये देखो, एंड अगर तुम लोग इसको खोलना चाहते हो तो इस बटन को प्रेस करो सिंपली, देखो ये निकल गया। एंड इधर है इसका नंबर सेट करने का जगह, इसको तुम अपने अकॉर्डिंग अपना नंबर दे सकते हो अपना लॉक पैटर्न। तो पहले इसको लगाना होगा ऐसे, फिर कैसे भी इसको घुमा दो तो ये इसको प्रेस करने से भी ये नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये काम ऐसे करता है। एंड मेरा पैटर्न अभी है कि मेरा नंबर है 355, तो मैं इसको लेकर तो 355 पे ये देखो आ गया, फिर मैं इसको सिंपली प्रेस करूँगा, देखो ये निकल गया। सो ये पूरा काम ऐसे करते हैं, फिर से इसको तुम दबाओगे तो धीरे धीरे इसको ऐसे लगा देना अंदर। ध्यान रखना कि तुम अगर इसको ऐसे खुला छोड़ दोगे उसके बाद एक हाथ से इसको मत दबाना, क्योंकि ये इसका जो ये जगह है ये बहुत ही हार्ड है ऐसे, देखो ये एकदम ऐसे खींचता है एकदम, देख सकते हो। तो ये बहुत ही पावरफुल तरीके से खींचता है, इसलिए मैं तुम लोगों को बोलूँगा कि दोनों हाथ से इसको लॉक करना। एंड इसका क्वालिटी की बात करूँ तो ये पूरा क्वालिटी प्लास्टिक का है, लेकिन बहुत ही सॉलिड प्लास्टिक का है ये, ठीक है। एंड इसको तुम अगर खींचोगे तो ये इसका जो वायर का क्वालिटी है, तुम इसका वायर का क्वालिटी अपनी R15 की जो क्लच केबल है उसकी क्वालिटी से मैच कर सकते हो, अपनी क्लच केबल का वायर क्वालिटी एंड ये वायर क्वालिटी एकदम सेम टू सेम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही घटिया क्वालिटी का है इसका वायर। इसका पैटर्न कैसे सेट करें तो एक बार देख लो, इसको इसका जो ऊपर वाला पिन है इसको ऐसा पुश करके रखना पड़ेगा। एंड मेरा पैटर्न है 355, तो मैं अगर इसको 155 पे सेट करूँ तो मैं लेकर आ गया 155 पे, एंड फिर से इसको छोड़ दूंगा ऐसे। एंड इसको फिर से छोड़ के अगर इसको खींचूंगा तो ये सेट हो गया 155 पे, देखो ये लॉक भी काम कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे 055 पे करूँगा तो देखो ये बटन प्रेस नहीं होगा। तो ऐसे इसका पैटर्न भी सेट कर सकते हो तुम लोग। एंड इसको यूज़ कैसे करें तो मानो कि मैं कहीं पर घूमने गया हूँ, ठीक है, कहीं पर लोकल में घूमने गया हूँ, तो अपना हेलमेट को मुझे लॉक करके रखना है गाड़ी के ऊपर, क्योंकि हेलमेट कैरी करना सब जगह तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है लोकल में भी लॉन्ग में भी। देखो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कैसे इसको यूज़ करें। सिंपली इसको खींचा, छोड़ दिया, ये बीच में लॉक हो गया ऐसे। आप क्या करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी के किसी भी जगह पे ऐसे अपनी वायर को हेलमेट के साथ ऐसे लॉक करना पड़ेगा। देखो ये मैं लेके गया अपने हेलमेट के अंदर से ले जाके सिंपली इसको प्रेस कर देना। एंड गाइस ये हो गया है लॉक, देखो। एंड सिंपली तुम अपना पैटर्न चेंज कर दो तो ये नहीं खोलेगा। एंड बहुत ही सॉलिड है इसका लॉक, देखो, तो कोई भी तुम्हारा हेलमेट चोरी करके नहीं ले जा पाएगा। एंड मेरा पैटर्न कैसा है, मेरा पैटर्न था 155, तो 155 आ गया। सिंपली इसको प्रेस करना तो देखो ये खोल गया इसका लॉक। एंड तुम आसानी से अपने हेलमेट को लेकर जा सकते हो। एंड ये बहुत ही कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट है, तुम इसको ऐसे लॉक करके इसीलिए तुम इसको ऐसे लॉक करके आसानी से अपनी जेब में ऐसे ले जाके घूम सकते हो। एंड तुम इसको खाली अपने हेलमेट के लिए नहीं, अपनी गाड़ी के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। कैसे तुम लोगों को दिखा देते हो, मानो कि तुम बाहर गए हो तो इसको अपनी गाड़ी के टायर से ऐसे ले जाकर घुमा के भी तुम लोग लॉक कर सकते हो। मैं तुम लोग के बाद दिखा देता हूँ, देखो देखो सिंपली ये ऐसे भी काम कर जाएगा। एंड तुम लोग कहीं पर भी जा सकते हो ऐसे लॉक लगा के अपनी गाड़ी को। तो ये उतना सिक्योर नहीं है बाइक के लिए, ये हेलमेट के लिए बना हुआ है। एंड अगर तुमको इसको अनलॉक करना है तो थोड़ा सा वायर को खींचो एंड उसके बाद इस बटन को प्रेस करो, ये हो चुका है अनलॉक। एंड सिंपली इसको बाहर निकाल दो ऐसे, देखो ये हो गया। एंड प्रोडक्ट का प्राइस है 499। इसको मैंने अमेजोन से परचेस किया था, तुम लोगों को चाहिए तो मैं तुम लोगों को इसका लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर चेक कर लेना। थोड़ी ट्रैक्टर का आवाज़ आ रहा है, ट्रैक्टर चला देने के बाद कितना आवाज़ है ट्रैक्टर का। तो इस प्रोडक्ट के पीछे लिखा कुछ पर्सनल डिटेल्स तुम लोग यहाँ पे कुछ फिल करके रख सकते हो। एंड ब्रांड का नाम है डोकोस, सो यही ब्रांड का नाम है। एंड बॉक्स में कुछ इस टाइप का डोकोस का ब्रांडिंग मिलेगा, कुछ पर्चीज मिलेगा, तुम लोगों को तो मैं पहले दिखा दिया क्या क्या मिलेगा।
सो अब ये तो होगा ही, इस प्रोडक्ट के बारे में मेन बात है, अपने से नहीं उठेगा, इसको घर ले जाकर उठाना पड़ेगा। इस प्रोडक्ट का लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हाँ, एक बात यह है कि तुम लोगों में से बहुत लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक नहीं करते, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना गाइस, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत प्रोडक्ट का लिंक देते रहता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं तुम लोगों से अगली ब्लॉग पर, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ, चल फलक तक चल साथ मेरे।